तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सी का इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं पाइथन के साथ में तो आपको बताते हुए चलूँ कि आज हम लोग सीफाट टेन का डेटा सेट यूज करेंगे सीफाट टेन डेटा सेट में सिक्सटी थाउजेंड रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें से हम लोग पचास हजार डेटा ट्रेनिंग के लिए लेंगे और दस हजार डाटा जो है टेस्टिंग के लिए लेंगे और इसमें हमारी टोटल दस क्लासेज होती हैं और हर क्लास में छः हजार इमेज होती हैं सी का यूज करके हमें इमेज का क्लासीफिकेशन करना है और इस हैंडसोन में और जो भी आगे टेक्निकल डिटेल्स आएंगे उनको हम लोग धीरे धीरे डिस्क्राइब करते रहेंगे तो सबसे पहले दोस्तों अपना काम क्या होता है इम्पोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरी तो जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है वो कौन सी है टेंसर फ्लो केरास एंड मेट प्लॉट तो उसको सबसे पहले हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा ये सिंटेक्स लिख करके इम्पोर्ट टेंसर फ्लो एस टी एफ फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास इम्पोर्ट डेटा सेट्स लेयर्स मॉडल्स आफ्टर दैट इंपोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट फाइव एस पी एल टी अब चलिए इनका मीनिंग भी समझ लेते हैं हर एक लाइंस और हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं तो इम्पोर्ट टेंसर फ्लो एस टी एफ ये क्या है टेंसर फ्लो इज एन ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी डेवलप्ड बाय गूगल ये आपको पता होना चाहिए कि टेंसर फ्लो को गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है इट इज वाइजली यूज फॉर मशीन लर्निंग टास्क एंड डीप लर्निंग टास्क इंक्लूडिंग न्यूरल नेटवर्क एंड टी एफ इज द एलियास नेम ऑफ टेंसर फ्लो अब चलते हैं दूसरी लाइन आप कोड पे फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉराज इम्पोर्ट डेटा सेट्स लेयर्स मॉडल्स ये क्या हमें बताता है

डेटा सेट्स के अंदर ही सी फॉर्टेन डेटा सेट हो गया ये उसके अंदर पाए जाते हैं वहीं से हमें इनको इम्पोर्ट करना पड़ेगा और जो लेयर्स मॉडल है ये क्या बताता है लेयर्स मॉड्यूल हमें क्या बताता है कॉन्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर जैसे डेंस लेयर हो गई कन्वोलेशनल लेयर हो गई या मैक्स पुलिंग की जो लेयर हो गई इसी लेयर्स वाले मॉड्यूल के अंदर से इम्पोर्ट की जाती है अब थर्ड वाला मॉड्यूल है मॉडल्स हमें मॉडल्स का भी तो यूज करना होगा मॉडल्स

ठीक है क्योंकि हम जिस डेटा सेट का यूज करने वाले हैं उस डेटा सेट को पहले लोड भी तो करना पड़ेगा ठीक है हमें लोड करना पड़ेगा और प्री प्रोसेस करना पड़ेगा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर खास बात यही है और सबसे ध्यान देने लायक बात यही है कि हमें अपने डेटा सेट को प्री प्रोसेस करना चाहिए प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने से पहले ठीक है हमारा डेटा अगर स्केल्ड है प्री प्रोसेस्ड है जनरलाइज्ड है तो जब उस डेटा का यूज करके अपने मॉडल को ट्रेंड करेंगे तो ओवर फिटिंग समस्या हो गई या जो लॉस फंक्शन में जो एरर आती है वो भी कम आएगी और हमारा मॉडल इजीली डिप्लाई होगा इजीली क्लासिफाइड या इरिगेशन का टास्क वो कर सकता है ठीक है तो देखिए आपके लाइन ऑफ कोड में क्या लिखा हुआ है ट्रेन इमेज कम ट्रेन लेबल्स उसके बाद टेस्ट इमेज कम टेस्ट लेबल इक्वल टू डेटा सेट्स डॉट सी ट्रेन डॉट

पिक्सल uh, की कलर इमेज होती है जिसमें टेन डिफरेंट क्लासेस होती हैं इमेज पर क्लास ठीक है टेन डिफरेंट क्लासेज होती हैं और हर एक क्लास में सिक्स थाउजेंड इमेज होती हैं ये बात आपको पता लग गई देखिए हर एक चीज को मैं बिल्कुल डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूं जिससे आप इनको समझ सकें और इन चीजों को जान सकें और

फिर से क्लियर कर देता हूं हम ट्रेनिंग के लिए फिफ्टी थाउजेंड डेटा का यूज करने वाले हैं जिसमें कलर्ड इमेज होंगी कितने पिक्सल की बत्तीस बाई तीन कलर इमेज भी होंगी आर कलर इमेज होंगी ठीक है आर कलर चैनल होंगे ठीक है ना तो कॉन्टेनिंग फिफ्टी थाउजेंड ट्रेनिंग इमेज इच इमेजी टू बाई थर्टी टू पिक्सल थ्री कलर, कलर चैनल आर अब ये ट्रेन लेवल ये हमें क्या बताता है ए अरे आपसे फिफ्टी थाउजेंड containing the labels for training image each label correspond to one of the 10 classes test image kya batata hai hame a num pi array of shape 10000 containing 10000 test images similar to in structure of the training image matlab jo test image hoga usme hamare 10000 records होंगे टेन थाउजेंड इमेज होंगी हर एक इमेज बत्तीस बाई बत्तीस पिक्सल की होगी जिसमें से तीन कलर चैनल भी होंगे हर एक इमेज के पास

इसका मतलब क्या हुआ ईट पिक्सल वैल्यू इन ट्रेन इमेज इज डिड बाई टी टू फिफ्टी फाइव ट्रांसफार्मिंग दिक्कस रेंज फ्रॉम जीरो मतलब ये हुआ सेम वाइट टास्क हमने टेस्ट इमेज के लिए भी किया हुआ है ठीक है तो इस तरीके से आपके डेटा का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाला काम हम लोगों ने कंप्लीट किया और इस कोड को रन करने के बाद हमारा डेटा सेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है अब एक बार हमारा डेटा सेट डाउनलोड हो जाता है तो उसे अब विजुअलाइजेशन करने की बारी आती है कि हमारा टेस्ट या हमारा डेटा दिखता कैसा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन ऑफ कोड में नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में दोस्तों हम हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले लोगों ने एक क्लास डिफाइन किया है इसके purpose क्या है द क्लास नेम लिस्ट कंटेन द नेम ऑफ द टेन क्लासेस इन द दिफार टेन डेटा सेट ईच इंडेक्स करिस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक क्लास लेवल जैसे जीरो एरोप्लेन वन ऑटोमोबाइल टू हो गया तो बर्ड थ्री फॉर कैट एंड फोर फॉर डियर फाइव फॉर डॉग एंड सिक्स फॉर फ्रॉग सेवन फॉर हॉर्स एट फॉर शिप एंड नाइन फॉर ट्रक द लेबल द इमेजाट ये हमारे में जो इमेज है, उनको ये लेबल दिया हुआ है ठीक है. अब हम लोग प्लॉट का सेटअप करते हैं यूजिंग द कोच कोड पी एल टी डॉट फिगर फिगर साइज टेन यूज करके हमने जो हमारा कंप्लीट इमेज का प्लॉट होगा वह टेन बाई टेन है. अब हम लोग नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड देखते हैं प्लॉटिंग द फर्स्ट ट्वेंटी इमेज यहाँ पे हम फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं इसका लाइन ऑफ कोड है दिस लूप आई ट्रेट ओवर द फर्स्ट ट्वेंटी फाइव इमेज इन ट्रेन इमेज डेटा सेट ठीक है ट्रेन इमेज डेटा सेट के अंदर जो फर्स्ट ट्वेंटी फाइव इमेज होंगी

इसका क्या मतलब हुआ दिस लाइन डिस फ्रॉम द ट्रेन इमेज अरे ठीक है द सी मैप इज इक्वल टू पी एल टी डॉट सी एम डॉट बाइनरी आर्गूमेंट से कलर मैप टू बाइनरी ब्लैक एंड वाइट बटन इमेज आर इन कलर द कलर मैप मे नॉट है ग्रे स्केल इमेज अब अगला लाइन है कोड है पी एल टी डॉट एक्स लेवल क्लास नेम ट्रेन लेवल आई जीरो क्या बताता है हमें this line sets the label below each image it fetches the corresponding class names using the label in train label i0 since train label is a 2d array where each label is nested within an array ठीक है तो ये इस टास्क के लिए हम लोग यूज करते हैं ठीक है इस कोड को मैंने रन किया तो इस कोड को रन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो हमारे सारे के सारे इमेज जो अवेलेबल है सारे के सारे क्लास आप इमेज जो अवेलेबल है वो हमें यहाँ पर दिखा तो ये देखिए ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फाइव इंच का ये अपना इमेज का प्लॉट है सॉरी टेन बाई टेन का ये इमेज का प्लॉट है जिसमें फाइव बाई फाइव की इमेज यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे दिख रही होगी ठीक है फाइव बाई फाइव की इमेज यहाँ पे दिख रही होगी फाइव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और फाइव वर्टिकल डायरेक्शन में और जो तो इमेज की क्लास है देखिए यहाँ पे फ्रॉक ट्रक

एडिंग द फर्स्ट लेयर हम लोग कैसे ऐड करेंगे तो मॉडल डॉट एड लेल टू डी थर्टी टू ब्रैकेट में थ्री कमा थ्री एक्टिवेशन इक्वल टू रेलू इनपुट सेप इज इक्वल टू थर्टी टू कमा थर्टी टू कमा थ्री इसके बाद मॉडल डॉट एड हमने मैक्स पुलिंग Uh, को भी अप्लाई करवा दिया तो इसका मतलब देख लेते हैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी कन्वोलेशनल टू डी थर्टी टू फिर ब्रैकेट में अलग से थ्री बाय थ्री देन एक्टिवेशन इक्वल फंक्शन इक्वल टू रेलू लगाया गया है यहाँ पे इनपुट से आपका

और एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया फंक्शन का क्या खासियत होती है फंक्शन रेंज होती है जीरो से और एक्स के बीच में यह बताता है कि कौन सा न्यूरॉन एक्टिव होगा कौन सा न्यूरॉन एक्टिव नहीं होगा इसको हम एक्स्ट्रा हिडन लेयर के अंतर्गत ही लगाते हैं तो रेलवे टू इंट्रोड्यूस नॉन लिनियर इनटू द मॉडल

उसी पे फोकस करने के लिए मैक्स पुलिंग लेयर का यूज करते हैं अब हम लोग क्या करते हैं एडिंग द सेकेंड कन्वोलिजनल लेयर हम यूज करते हैं ठीक है आपका एक बार फीचर जब निकल गया मैक्स पुलिंग के यूज करके ठीक है तो हम लोग सेकेंड कन्वोशनल लेयर ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए मॉडल डॉट एड लेयर कन्वोर्जनल टू डी सिक्सटी फोर थ्री बाई थ्री एक्टिवेशन टू रेलू एंड आफ्टर दैट मॉडल डॉट एड डॉट मैक्स पुल टू पर देखिए कन्वोल टू डी सिक्सटी फोर थ्री कमा थ्री ये क्या है अब हम यहाँ पे अपने इनपुट इमेज के ऊपर सौ फिल्टर लगा रहे हैं सिक्सटी फोर फिल्टर लगा रहे हैं और हर एक फिल्टर थ्री क्रॉस थ्री का है और फिर हमने रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन को लगाया किसके लिए नॉन लिनियरटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए ठीक है अब फिर से हमने मैक्स पुलिंग टू बाई टू का लगाया किसके लिए लगाया अगेन हमें स्पेशल डायमेंशन को रिड्यूस करना हुआ करना है अलाविंग द मॉडल टू लर्न हायर लेवल फीचर एंड ए रिड्यूस रिजॉल्यूशन ठीक है यहां पे मैक्स पुलिंग लेयर का दो बार यहां पे यूज हुआ है पहला आपका किसके लिए जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको निकाला गया है जैसे एज हो गया फिर कलर हो गया इस टाइप के जो बारीक पैरामीटर इमेज के अंदर उसको निकालने के लिए एक बार हमने मैक्स पुलिंग टू का यूज किया है। और दूसरी बार जो यूज किया है उसको जो हाई लेवल के फीचर हैं उनको निकालने के लिए हमने उसका यूज किया है दो बार कन्वर्जेशन हो गया और दो बार आपका मैक्स पुलिंग हो गया अब आपका थर्ड कन्वर्सनल लेयर लगने जा रही है यहाँ पे देखिए मॉडल डॉट एड लेर कन्वर्सन टू डी सिक्सटी फोर थ्री बाई थ्री एक्टिवेशन ले फिर हमने एक फिल्टर और लगाया थ्री बाई थ्री का मतलब हमने सिक्सटी फोर फिल्टर लगाया थ्री बाई थ्री के और फिर से हमने नॉन लिनियटी को इंट्रोड्यूस किया अपने कन्वोलेशनल लेयर में अब इसके बाद हम लोग आउटपुट को फ्लैटन करने के लिए मॉडल डॉट एड लेयर्स डॉट फ्लैटन फंक्शन का यूज करेंगे ये फ्लैटन फंक्शन का यूज, यूज क्यों किया जाता है

चौसठ न्यूर है इस डेंस इसके लिए इस नंबर का यूज किया गया दिस इज एन आर्बिट्रेटरी चॉइस एंड कैन बी एडजस्टेड डिपेंडिंग ऑन द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आपको मैं बता रहा हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी चलिए अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं एक्टिवेशन बराबर रेलू ये एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाइड टू इंट्रोड्यूस नॉन नॉन आवर मॉडल अब डेंस टेन का भी यूज किया गया आप देख रहे होंगे दिस इज द आउटपुट लेयर विथ टेन न्यूरॉन्स ठीक है पहले हमने देखा यूज़ किया तो पे पे थे अब पे हम 10 किया थे, 10 10 10 क्योंकि हमें जो लास्ट में आउटपुट लेके आना है वो हमें दस नंबर लेके आनी है ठीक है टेन क्लासेज में हमें, हमें, क्लासीफाई करना है अपने डेटा को इसीलिए हमने यहाँ पे लास्ट में

हम लोग देखते हैं कि हाउ टू कंपाइल द मॉडल हाउ टू कंपाइल द मॉडल तो दोस्तों हम लोग मॉडल का कंपाइलेशन करने के लिए चल रहे हैं तो नाउ लेट्स कंपाइल द मॉडल विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्टिमाइजर लॉस फंक्शन एंड मैट्रिक इसके अंदर ऑप्टिमाइजर क्या है लॉस फंक्शन क्या है मैट्रिक्स क्या है सबका हम लोग एक एक करके डिस्क्रिप्शन करते हुए चलेंगे यहां तो पर देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है मॉडल डॉट कंपाइल इसका पर्पज क्या है

फ्रॉम लॉजिट्स इक्वल टू ट्रू इस लाइन का क्या मतलब थे? मतलब हुआ यहाँ पे लॉस फंक्शन जो है आपका स्पार्स कैटेगरी कल क्रॉस स्पाराफी हमने लॉस फंक्शन सुने थे बाइनरी क्रॉस इंट्रॉपी एंड मीन स्क्वायर एरर अभी स्पार्स कैटेगरी कल क्रॉस इंट्राफी है क्या इस बारे में देख लेते हैं दिस लॉस फंक्शन इज यूज फॉर मल्टीपल क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम वेयर द लेबल्स आर इन टीचर नॉट वन हाट इन कोटे

टू डिज लॉड इट्स बिफोर कंप्यूटिंग द क्रॉस एंट्रॉपी लॉस सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन बुकिंग का यूज इसीलिए किया जाता है कि हमें अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करना हो वहां पे लेकिन यहाँ पे इसका यूज हम लोग इंटरनली इस फंक्शन के द्वारा करेंगे तो वाई यूज स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस इंट्रॉपी है अब अब ये आता है कि भाई इस स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस इंट्रॉपी का यूज क्यों किया गया दिस इज द अप्रोप्रिएट लॉस फंक्शन व्हेन डीलिंग विद अ क्लासिफिकेशन टास्क वेयर द लेवल्स आर

इट इज कॉमन मैट्रिक्स फॉर क्लासिफिकेशन टास्क एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड का यूजिफिकेशन टास्क इट इज डायरेक्टली हम लोग देखेंगे कि मॉडल को ट्रेन कैसे किया जाता है अब मॉडल को दोस्तों ट्रेन करने का समय आ गया है तो वी विन द मॉडल यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा एंड बेडेट यूजिंग द टेस्ट डेटा तो आप यहाँ देख रहे हैं हिस्ट्री इक्वल टू मॉडल डॉट फिट ट्रेन इमेज ट्रेन लेबल्स इपोक इक्वल टू टेन वैलिडेशन डेटा इज इक्वल टू टेस्ट इमेज एंड टेस्ट लेबल इनका क्या मतलब होता है और इस आउटपुट का क्या मतलब होता है ये हम लोग अब देखेंगे इसका क्या मतलब है तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री इक्वल टू मॉडल डॉट फिट फंक्शन का यूज किया गया है मॉडल फंक्शन का यूज हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए करते हैं दिस मेथड इज यूज टू ट्रेन द मॉडल फॉर ए नंबर ऑफ क्या होते हैं ओवर द को हम लोग करते हैं अब हिस्ट्री यहाँ पे क्या दिखाता है हिस्ट्री जो वर्ड है वो क्या दिखाता है द फिट मेथड रिटर्न हिस्ट्री ऑब्जेक्ट विच कॉन्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेनिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द लॉस एंड मेट्रिक वैल्यू फॉर ईच इपोक्स

This is, is by the number of times the model will iterate over the entire training dataset. In this case, the model will train for 10 epochs. Matlab, abhi, abhi, like, why we are using 10 epochs? The training for multiple epochs help the model learn better representation of the data. During each epoch, the model adjusts its weights to reduce the loss. And with each successive epochs, the model usually improves its accuracy.

देखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है कि जैसे वैल्यू वैल्यू लॉस, लॉस एंड इसका क्या क्या मतलब होता है और देख रहे हैं हम लोग कि जो वैल्यू लॉस है धीरे धीरे कम होता जा रहा है ठीक है वैल्यू लॉस जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है इसका मतलब हम लोग अब देखेंगे मॉडल को ट्रेन करने के बाद जो हमारा आउटपुट आया है वो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसको जरा हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं ताकि आपको भी इसे पढ़ना आ जाए और आप अच्छे से समझ सकें तो इपोक यानी इपोक वन बाई टेन वहां पर लिखा हुआ है ये क्या बताता है इंडिकेट्स इपोक इपोक इज 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 हियर द द नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ इपोक तो यहाँ पे इपोक वन बाई टेन लिखा हुआ है तो यानी कि अभी हम लोग पहला इपोक रन कर रहे हैं और हमारा टोटल नंबर ऑफ इपोक टेन है ठीक है अब वहाँ पे देखिए फिफ्टीन सिक्स डिवाइडेड बाई फिफ्टी सिक्सटी थ्री ये लिखा हुआ है ये क्या बताता है दिस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बैचेस प्रोसेस्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैचेस पर इपोकल डिवाइडेड बाय टोटल बैचेज बाई अब आपको पे दिखा टाइम टाइम क्या बताता है टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट ठीक है अब यहां पे टाइम पर स्टेप्स वो दिखा रहा होगा आपको

हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और लॉस जो है वो कम से कम हो तो जब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब नीचे देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे तो आपको देखने में आ रहा होगा कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो बढ़ रही है और जो हमारा लॉस है वो कम हो रहा है वेल्टेजन का जो लॉस है वो देखिए कम हो रहा है ठीक है पहले लॉस हमारा फर्स्ट स्टेप में था 1.7594 ट्रेनिंग लॉस था और वैलिडेशन लॉस था हमारा 1.2561 अब लास्ट वाले स्टेप में देखेंगे तो जो हमारा ट्रेनिंग लॉस होगा वो पॉइंट हो गया यानी बहुत कम हो गया और जो हमारा वैलिडेशन का वे जो लॉस है वो पॉइंट हो गया ठीक है और हमारी एक्यूरेसी भी देखिए यहाँ पे बढ़ गई यानी पॉइंट सेवन एट सेवेंटी एट परसेंट के लगभग

थोड़ा सा जान लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्यूरेसी ये ग्रीन लेवल वाली है वो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है और जो ऑरेंज है वो वैलिडेशन की एक्यूरेसी है ठीक है तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही नंबर ऑफ इपोक बढ़ रहा है यानी कि जीरो टू फोर सिक्स एट टेन ये हमारे नंबर ऑफ इपोक्स हैं और ये एक्यूरेसी है इधर वाई एक्स एक्सिस में हमारा इपोक है ठीक है तो शुरू में जब इपोक कम था तो यहाँ पे ट्रेनिंग की एक्यूरेसी भी कम है और वेल्टेशन की एक्यूरेसी भी कम है ठीक है अब जैसे जैसे हमारा नंबर्स ऑफ इपोक्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग और की एक्यूरेसी और वेल्टेशन की एक्यूरेसी लगभग यहाँ पे बराबर यहाँ पे क्रॉस करने के बाद लगभग साथ ही साथ ये लोग जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही नंबर ऑफ इपोक्स बढ़ रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग की एक्यूरेसी जो है आपकी वो ज़्यादा हो रही है देखिए और वेल्टेशन की एक्यूरेसी जो है कम हो रही है कम हो रही है ठीक है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग पहले बढ़ रहा है फिर लगभग पैरल उनका डिफरेंस जो है बिल्कुल फिक्स टाइप का हो रहा है ठीक है गैप जो है वो कांस्टेंट टाइप का दिख रहा है अगर ये आगे जाएगा तो तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है और टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं ओवर भीटिंग की समस्या है लेकिन यहाँ पे देखिए वेरिडेशन का भी स्कोर ठीक है और ट्रेनिंग का भी स्कोर लगभग उसके बराबर ही है हम तो बिल्कुल उसको बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते हैं लेकिन यह कह सकते हैं कि ट्रेनिंग और वेल्यूटेशन का जो स्कोर है इसमें इसमें थोड़ा ये एवरेज स्कोर इसको हम कह सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इसका वेलटेशन करते हैं तो दोस्तों ये रहा सी एन एन का इम्प्लीमेंटेशन विथ पाइथन और इसके अंदर जितने भी कोड थे सबको मैंने एक्सप्लेन किया सबको मैंने बताया तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा अब फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से नेक्स्ट किसी एक्साइटिंग टॉपिक के साथ टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग